हम आदिवासियों के लिए विकास लेकर आए हैं। हम बंदूक की भाषा नहीं बोलते, हम उनके लिए चावल लेकर आए, गेहूं लेकर आए, रोजगारी लेकर आए हैं, बिजली लेकर आए, गैस का सिलेंडर लेकर आए हैं, चरण पादुका लेकर आए हैं, स्वास्थ्य का बीमा लेकर आए हैं, उसके वन उपजों के लिए समर्थन मूल्य लेकर आए हैं। आप कितना भी करो राहुल बाबा, छत्तीसगढ़ में इस बार आपकी दाल गलने वाली नहीं है। मगर मित्रों, आज एक बूथ से 10 कार्यकर्ता आए, मैं सबको कहना चाहता हूं, सभाओं से सरगस से जीता नहीं जाएगा। रमन सिंह सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको कोई फायदा नहीं मिला है। हर घर में जाना पड़ेगा, हितग्राहियों को उनको जो सरकार ने काम किए हैं वो याद कराना पड़ेगा। कांग्रेस का शासन याद कराना पड़ेगा, उनका सीडी कांड याद कराना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से नक्सलवादियों के भरोसे ये प्रदेश चलेगा, और रमन सिंह सरकार आई तो बचे खुचे हैं वो भी छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग जाएंगे।